बादशाहपुर के विधायक ने गुरुग्राम स्थित डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया है। विधायक राकेश दौलताबाद ने आरोप लगाया है कि DRO ऑफिस में बैठे अधिकारी व कर्मचारी RWA को काम नहीं करने दे रहे हैं। RWA में जो निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहते हैं, ऐसे लोग इन अधिकारियों व कर्मचारियों की वजह से चुनाव लड़ने से गुरेज बरत रहे हैं। विधायक की माने तो RWA के पास कोई फंड नहीं होता, इसके बावजूद भी वो अपने इलाके में विकास को गति देने का प्रयास करते हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अनेकों RWA बेहतरीन काम करके नागरिकों की सेवा कर रही है। आरोप है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी, सरकारी अधिकारी और कुछ RWA के पदाधिकारी गठजोड़ बनाकर कमजोर कानून को तोड़ मरोड़ कर सालों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके चलते अनेक किस्म के झगड़े और कंप्लेंट्स का अंबार आया हुआ है। वहीं राकेश दौलताबाद ने आगे कहा कि गुरुग्राम में 5000 से ज्यादा RWA रजिस्टर हैं। इन सभी के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। इनके पास अपना कोई फंड नहीं होता। ये सभी अपने सदस्यों से फीस लेकर विकास कार्य करवाते हैं, लेकिन DRO ऑफिस में बैठे अधिकारी इन्हें कार्य नहीं करने देते। कुछ RWA में भी भ्रष्ट अधिकारी आ गए हैं। इन पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। इसके लिए HRRS अमेंडमेंट बिल जो कि 2012 में बनाया गया था, इस पर सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। HRRS एक्ट, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। खास तौर पे HRRS एक्ट जो है, इसमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को जो पावर और अथॉरिटी मिली हुई है, उसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार के मामले सुनने की जो उनके पास पावर है, उसमें क्लास सेकंड का ये ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, और उसके पास जो पावर्स हैं वो बहुत है। उसके अंदर 2012 में बना था ये HRRS एक्ट जो है, इसको सभी फैसले जो है को पूरी सुरक्षा देता है ये एक्ट। HRRS जो एक्ट है 2012 में आज के समय की आवश्यकता के हिसाब से बहुत सुधार और संशोधन करने की जरूरत है। इसके लिए सभी पत्रकार साथियों से मैं ये बताना चाहूंगा, हम बहुत महीनों से जो ये आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट हमने दिया है, हम सब लोगों ने बहुत महीनों से जो है RWAs के साथ मिलके लगातार, ये वो लोग थे जिनको ना तो सरकार से कोई तनख्वाह मिलती है, ना ही इन लोगों को किसी तरीके का, ये वो लोग थे जिन लोगों ने एक्ट के ऊपर काम किया हुआ है। हमने महीनों बैठ के उनमें से इसके ऊपर एक-एक पॉइंट के ऊपर काम किया। बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद द्वारा DRO ऑफिस के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल तो साइबर सिटी की RWA अपने अपने इलाकों में निस्वार्थ भाव से विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।